नमस्कार, मैं हूं प्रफुल केदारे और आप देख रहे हैं SST Elites, जिसका आपको है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, मुश्किलों ने हर पल पर उसके पैरों में बेड़ी बनकर उसे रोकना चाहा, लेकिन उसका हौसला, उसका आत्मविश्वास इतना बुलंद था कि उसने हर कड़ी को तोड़ा और वो आगे ही चलता गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चौकबॉल चैंपियन विक्रम काली की, जिसने दो बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का उसे मौका मिला, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी परिस्थिति के कारण वह उसमें सम्मिलित नहीं हो पाया। लेकिन उसका हौसला अब भी उतना ही बुलंद है, वो एक ना एक दिन भारत का चौकबॉल में प्रतिनिधित्व करेगा, ये विश्वास है उसे और हमें भी। तो देखते हैं हम विक्रम के क्रीड़ा जगत के क्रीड़ा जीवन की कुछ झलकियां। वह हमेशा मुश्किलों की बेड़ियां तोड़कर आगे चलता रहा है। साधारण बस ड्राइवर पिता ने उसे मेहनत से पढ़ाया। वह पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी हमेशा अव्वल रहा है। कक्षा 10वीं तक वह खो खो कबड्डी खेलता था। 2013 में SST महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद क्रीड़ा संचालक प्राध्यापक राहुल अकुल और प्राध्यापक संदीप नरवाड़े, इनकी प्रेरणा से उसने चौकबॉल जैसे खेल में खुद को चैंपियन बना दिया। 2013 में ही SST महाविद्यालय के माध्यम से 19 साल तक के खिलाड़ियों के गुट में आंध्र प्रदेश में हुई राष्ट्र स्तरीय चौकबॉल स्पर्धा में उसे चुना गया। फिर ऐरोली, नवी मुंबई, नासिक, सांगली, यहाँ पर हुए राज्य स्तरीय स्पर्धाओं में भी उसने लगातार यश प्राप्त किया। साल 2015-16 में अमरावती में हुए ठाणे संघ में उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया। राजस्थान में हुई प्लेस टेक्नीशियन, नंदुरबार में दूसरा, आसाम में तीसरे और सांगली में हुई राज्य स्तरीय स्पर्धा में वह तीसरे स्थान पर रहा। 2018-19 में अकोला में ठाणे संघ में पहला स्थान मिलते ही उसका चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ। वह इसी साल आसाम में फिर से राष्ट्रीय टीम के लिए चुना गया था। इसी माध्यम से श्रीलंका कोलंबो यहाँ होने जा रही साउथ एशियन चौकबॉल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने का उसे मौका भी मिला, लेकिन दुर्भाग्यवश उस वक्त वहाँ पर बॉम्ब स्फोट होने की वजह से यह प्रतियोगिता रद्द हुई। दो बार भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का मौका उससे छूट गया, लेकिन उसका प्रयास इस बार जरूर पूरा होगा और अब भारत के टीम में वह चौकबॉल प्रतियोगिता के लिए अहम भूमिका निभाएगा, यह विश्वास है उसे और हमें भी। जी हाँ, आज का SST Elites का चेहरा है चौकबॉल चैंपियन विक्रम उषा रतन काले। तो दोस्तों, हमने ये झलकियां देखी है विक्रम के क्रीड़ा जीवन की, आइए और उसके बारे में हम जानते हैं। विक्रम, आपका SST Elites में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले SST कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर पुरुषवानी सर, वाइस प्रिंसिपल खुशबू मैम, फिजिकल डायरेक्टर राहुल अकुल सर, इन सभी का मैं धन्यवाद मानता हूँ जो इन्होंने मुझे SST Elites पे बुलाया है। विक्रम, आपके इस चौकबॉल के खेल के बारे में हम और थोड़ा विस्तृत में जानना चाहते हैं। चौकबॉल गेम में स्विट्जरलैंड में डॉक्टर हरमन ब्रांड इन्होंने 1917 में लाया था, जो कि वर्ल्ड कप में भी खेला जाता है। वर्ल्ड कप में हांगकांग, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडिया, जापान, इटली, ऐसे बहुत देश है जो इन्हों में खेले जाते हैं। 20 से भी ज़्यादा देशों में खेले जाते हैं। उसके बाद भारत में क्रीड़ा महर्षि शिव छत्रपति पुरस्कार प्राप्त अशोक दुधारे सर, इन्होंने 2002 में नासिक सिटी में लाया था, जो कि अगले साल 2003 में इन्होंने नासिक सिटी में एशियन चौकबॉल चैंपियनशिप भी खिलाई थी। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद चौकबॉल का जो ग्राउंड रहता है, जो 27x16 का रहता है, उसमें एक बॉल और एक फ्रेम यूज की जाती है। उसके बाद उसके दो फ्रेम साइड में रहती है डिवाइड बाइड खेलने के लिए, और फ्रेम की मीटर रहती है 1 मीटर रहती है, और जो उसके साइड में जो हाफ डी सर्कल उसको बोलते हैं, उसको हम 3 मीटर की लाइन रहती है, उसको फॉरवर्डन जोन खेलते हैं हम। उसमें टोटल 12 प्लेयर खेलते हैं, उनमें से 7 प्लेयर इन खेलते हैं, उसमें से 3 प्लेयर ओ फ्रेम में, 3 फ्रेम दूसरे फ्रेम पे खेलते, और एक मिडल लाइन पे टोटल 7 प्लेयर खेलते। तो आप कौन से प्लेस पे खेलते हो? इसमें शूटर और डिफेंडर दो प्लेयर रहते हैं, जो शूटिंग प्रॉपरली बहुत अच्छे से मारते हैं, और डिफेंडर भी उनसे अच्छे डिफेंस करते हैं। तो मैं लेफ्ट और राइट दोनों के बीच में, यानी मिडल लाइन पे मैं डिफेंस का काम करता हूँ, जो कि सिर्फ मुझे बॉल पकड़ना बहुत ही अच्छा लगता है।
विक्रम, आप महाराष्ट्र के बेस्ट डिफेंडर भी रह चुके हो और आपको टीसी लवर 12 के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या है? टीसी लवर 12 जो कि मेरा जो अकोला में मैच था, जो मुझे बेस्ट डिफेंडर मिला था, उसके बाद मेरे नेशनल आसाम में हुई थी, उसमें जो भी मतलब टीसी लवर चौक बॉल उसका मीनिंग फुल फॉर रहता है, मगर शॉर्टकट में उसमें टीसी लवर यानी चौक बॉल लवर कहते, तो उसमें जिसका भी किसका बर्थडे कुछ भी रहता है आसाम या महाराष्ट्र प्लेयर में हमारा, तो चौक बॉल में टी साइलेंस होता है, टी साइलेंट रहता है, बाकी सेंटेंस पूरा ही रहता है, तो मैं शॉर्टकट में टीसी लवर डाल के आगे उनका सिर्फ नंबर डालता था, तो सब मुझे बाहर भी वही बोलते थे टीसी लवर 12, टीसी लवर 12, तो उसके बाद और टीसी लवर 12 यानी मेरा 12 नंबर भी फेवरेट है, क्योंकि मुझे युवराज सिंह भी बहुत अच्छे, जो कि वो डाइव बहुत अच्छे मारते, मैं क्रिकेट खेलते समय भी बैटिंग बॉलिंग नहीं करता मगर मुझे फील्डिंग करनी बहुत अच्छी लगती, तो मुझे सबसे ज्यादा शूटिंग और चौक बॉल में डिफेंडर में मैंने डिफेंडर चुना, जो कि मुझे डाइव मारने में बहुत अच्छा लगता। तो आपको चौक बॉल के माध्यम से भारत की टीम में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, दो बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप जाते जाते ये मौका आपसे छूट गया, वो अनुभव क्या रहा? सर, चौक बॉल में मेरा नंदुरबार में हमारे स्टेट थी, सीनियर स्टेट जो कि सीनियर चौक बॉल थी, उसमें ठाणी टीम में हमने थर्ड प्लेस का स्थान लिया था, उसमें मेरा महाराष्ट्र टीम में सिलेक्ट हुआ था, जो कि आसाम में मैच था, उधर से मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, उसमें मेरा सिंगापुर में जो वर्ल्ड कप मैच थे उसमें मेरा सिलेक्ट हो गया था, तो उसके में घर आने के बाद मैंने वो प्रैक्टिस कंटिन्यू स्टार्ट की, उसके वन मंथ के बाद मेरी सिस्टर की शादी तय हुई थी, तो वो काम में मैं थोड़ा जुड़ा रहने लगा, तो उसके बाद चौक बॉल का मुझे सिंगापुर का लेटर आया कि आपकी मैच ये डेट में है, तो वो और सिस्टर की शादी वही मंथ में थी, तो मुझे कन्फ्यूज होने लगा कि मैच की है, तो घर में भी प्रॉब्लम बहुत थी अमाउंट की, तो अच्छा, तो शादी का खर्चा और तुम्हारे इस तैयारी का खर्चा कैसे जुटा पाए? तो उसमें 65,000 जो सिंगापुर में थी, मगर कॉलेज ने भी मुझे सपोर्ट किया था अमाउंट के लिए, मगर घर के शादी की वजह से मुझे जाना पॉसिबल नहीं हुआ। उसके बाद सेकंड टाइम भी मेरी जो अकोला में मैच थी, सीनियर चौक बॉल जो थी 17-18 में मैच थी, उसमें मैंने हमने ठाणी टीम ने फर्स्ट प्लेस का प्लेस मारा था, उसके बाद उसका सिलेक्शन भी महाराष्ट्र में मेरा हुआ, वो जो कि आसाम में मैच था, उसमें प्रैक्टिस के दौरान मैच के दौरान जो हमने मैच खेला था उसमें थर्ड प्लेस का महाराष्ट्र ने स्थान लिया था, सेमीफाइनल में मेरा सिलेक्शन हुआ था, जो कि साउथ एशियन चौक बॉल चैंपियनशिप श्रीलंका कोलंबिया में था। वापस में घर आने के बाद मैंने प्रैक्टिस और जोरों से स्टार्ट की, टिकट भी मैंने निकाली थी, फिर उस टिकट निकला उसके एक हफ्ते पहले श्रीलंका में बाउंस फुट हुआ था कोलंबिया में, जो कि मैच भी वही थी, तो उसके दौरान मुझे फिर से वो मेरा मौका छिड़ गया, और मेरा जो पूरा है मुझे इंडिया खेलना है, वो मेरा ड्रीम से वो मेरा हो रहा नहीं है। लेकिन अभी तीसरी बार अभी एक और आने के जाते समय मैं प्रैक्टिस अभी भी करता हूँ, मैं अभी जो कि दिसंबर में है अभी तो एक ना एक दिन आप रिप्रेजेंट करोगे भारत। हाँ, तो मैं भारत के लिए रिप्रेजेंट करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं खेलते रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं खेलते रहूंगा, यही उसका हौसला SST महाविद्यालय ने देखा, और दो बार आर्थिक स्तर पर अगर उसे बाधा आती है तो SST महाविद्यालय उसके साथ में खड़ा रहा। लेकिन दुर्भाग्यवश परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि विक्रम दो बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जा नहीं पाए, लेकिन तीसरी बार वो जाएगा और SST महाविद्यालय उसके साथ में खड़ा रहेगा। तो ऐसे जो आपके माता पिता और पालक की भूमिका निभाने वाला SST महाविद्यालय आपके जीवन में क्या स्थान बनाकर रखा है? मेरे घर वाले के बाद SST कॉलेज ही मेरा घर बार है, जिन्होंने मुझे कुछ भी प्रॉब्लम रही कॉलेज की अटेंडेंस यानी मुझे प्रैक्टिस में भी मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि मुझे सपोर्ट करते नहीं करते, मेरे अटेंडेंस मेरे एग्जाम रहती थी तभी भी कॉलेज ने SST कॉलेज ने मुझे पुरोसनी सर भी मेरे साथ थे और राहुल अकुल जो फिजिकल डायरेक्टर है वो भी मेरे साथ में थे कि वो मुझे सपोर्ट करते, कुछ भी हो प्रॉब्लम 24 घंटा राहुल सर मुझे हमेशा एक कॉल करने पर राहुल सर मुझे हमेशा हमेशा मतलब हमेशा मैच के दौरान मुझे याद आते। जैसे कि आपने राहुल सर का बताया कि राहुल सर आपको हर कदम पे आपका साथ देते हैं, आपके पीठ के पीछे खड़ा रहते हैं, तो अभी आप रेफरी का भी काम करते हो, इस खेल के कोच का भी काम करते हो, तो उस द्वारा कैसे अपना खेल और इसको आप मैनेज करते हो? जो कि मैं शुक्रगुजार हूँ जो राहुल सर जो इन्होंने मुझे स्कूल में जॉब दिलाया थी, उसके बाद मैंने स्कूल में फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, जो कि वहाँ से चौक बॉल खेल किसी को पता नहीं था, खो खो क्रिकेट कबड्डी
इन गेमों में सबको पता है, मगर चौकबॉल गेम ये भी स्कूल गेम में ऐड है, मगर ये किसी को पता नहीं है। तो मैंने वो गेम उधर बताया उनको, सीखा उनसे प्रैक्टिस करवा के लिए, तभी जाकर एक साल के बाद मेरे जो स्टूडेंट है वो स्टेट नेशनल में प्रेजेंट करने लगे। उसके बाद मैंने 3 साल इन्फॉर्मेशन चौकबॉल की निकाली थी, जो कि मुझे पहले से मैं खेलता था उसकी इन्फॉर्मेशन लेते समय मैंने वो पूरा याद करने के बाद मैंने रेफरी एग्जाम जो कि नवी मुंबई में मैंने दी थी, उसके बाद मैंने वो रेफरी एग्जाम देते फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने वो पास कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने अमरावती, नंदुरबार, नवी मुंबई, केडीएमसी, भिवंडी, ठाणे, उल्लासनगर, बुल्ढाणा, इन जगह पे मैंने रेफरी एग्जाम करनी स्टार्ट कर दी। राहुल सर भी मेरे जीवन में बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े की शान है, जो कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करते। उनके साथ जो हमारे ठाणे चौकबॉल के कोच है संदीप नारोडे सर, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते। जो भी मुझे प्रॉब्लम रहता तो वो मुझे शेयर करके वो मुझे टाइम टू टाइम बता देते थे, जो कि कुछ भी रहेगा, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस कुछ भी रहे या बॉल का कुछ पानी भी नहीं, जब मैच के दौरान मुझे वो पानी भी नहीं पिला देते, जो भी रहेगा। अच्छा, तो संदीप नरवड़े सर आपके कोच भी रह चुके, एक बड़े भाई की तरह आपको संभाला है। खेल के बारे में हो, आपने कहा कि जब जब प्यास लगती थी तो पानी पिलाते थे, तो ऐसे बहुत कम गुरु होते जो अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को इतनी प्यार से, इतनी मोहब्बत से संभालते हैं। उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भेजा है संदीप नरवाड़े सर ने, वो देखते हैं। जेव्हा 2013 साठी एसएससी कॉलेजमध्ये आला, 18वीसाठी जेव्हा तो आला, त्यावेळेस बुलढाणा येथे राज्यस्तरीय स्पर्धा कुमार गटाच्या होणार होत्या, त्यासाठी निवड चाचणीसाठी विक्रम हा माझ्याकडे आला। विक्रमबद्दल बोलावं तर विक्रमकडे अप्रतिम अशी क्षमता आहे बॉल कॅच करण्याची, आणि चॉकबॉल या खेळामध्ये बॉल कॅचिंग करणं म्हणजे डिफेंड करणं हाच प्लस पॉइंट असतो, म्हणजे क्षणाक्षणाला खेळ बदलत जाणारा हा चॉकबॉल खेळ, त्यामध्ये डिफेंड करणारा हाही तितकाच महत्त्वाचा भाग असतो। विक्रमने आजपर्यंत त्याने आत्तापर्यंत महाराष्ट्रातल्या नावाजलेल्या खेळाडूंना तसेच भारतातल्या दिग्गज खेळाडूंना सुद्धा एक हाती ब्लॉक केले आहे, त्याच्याकडे अप्रतिम अशी क्षमता आहेच, पण तो एक आज्ञाधारक, शिस्तप्रिय आणि मनमिळाऊ खेळाडूंपैकी आहे। तसेच माझ्या आवडत्या खेळाडूंपैकी विक्रम काळे हा सुद्धा एक आहे। विक्रमच्या प्रगतीसाठी, त्याच्या भविष्यासाठी त्याला खूप खूप शुभेच्छा। असंच स्वतःचं, महाराष्ट्राचं, आईवडिलांचं व कॉलेजचं नाव वाढवावं हीच माझ्या अपेक्षा। धन्यवाद। थँक्यू संदीप सर, जो मेरे लिए इतने अच्छे शब्द कहे। विक्रम, आपको क्या लगता है कि आज हमारे देश में चौकबॉल की क्या स्थिति, उतनी अहमियत दी जा रही है? पहले तो चौकबॉल किसी को पता नहीं था कि चौकबॉल क्या होता है, तो मुंबई में सिर्फ ठाणे टीम ही ज़्यादा से ज़्यादा टीम खेलती थी चौकबॉल के बारे में। उसके बाद हमने फिर चौकबॉल बढ़ाने के लिए स्कूलों में जाकर हमने सिखाया, बहुत स्कूलों में सिखाया। उसके बाद उसका थोड़ा लेवल बढ़ती गई, उसके बाद भिवंडी, ठाणे मनपा, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई, पालघर, केडीएमसी, उल्लासनगर, ऐसे जिलों पर शामिल होने लगे। उसके बाद स्टेट में भी अमरावती, बुलढाणा, नासिक है, अहमदनगर है, मीरा भाईंदर जैसे टीम खेली जाती है। तो अभी लोगों का इसके प्रति जो प्यार है बढ़ता है और ये प्रचार प्रसार बढ़ रहा है इसका प्रचार तो बढ़ रहा है सर, क्योंकि ये गेम अभी फिलहाल स्कूल गेम में भी ऐड हो चुका है, अभी ये यूनिवर्सिटी में भी 1-2 साल में हो आने वाला है। अच्छा, तो आपकी रोज की प्रैक्टिस और आपका रोज का जो जीवन है उसका बैलेंस कैसे करते हो आप? अभी तो सर पहले स्कूल थी तो फर्स्ट ईयर लेके 10 साल को पढ़ाना पड़ता था डेली, उसके बाद घर पे आने के बाद खाना खा के शाम को प्रैक्टिस करना पड़ता, फिर रात को जिम जाते, फिर खाना खा के सोना पड़ता था। अभी कोविड नहीं तो ऑनलाइन लेक्चर की वजह से 8:30 से 11:30 तक मेरा लेक्चर रहता है, उसके बाद मुझे जीके नारी जो कि इंफॉर्मेशन सपोर्ट का रहता है वो मुझे पढ़ाई करना पड़ता है, उसके बाद शाम को 4 से लेकर 6 बजे तक मुझे प्रैक्टिस करना पड़ता है जो कि चौकबॉल, उसके बाद जिम जाने के बाद शाम को फिर पढ़ाई करने के बाद फिर दूसरे दिन ऐसा ही करना पड़ता है, यानी मुझे स्पोर्ट का फिटनेस मुझे करना ही पड़ता है, सुबह करो या शाम को करो, मगर मैं 1 घंटा तो स्पोर्ट के लिए ग्राउंड देता हूँ। ओके, तो विक्रम अभी आगे क्या करने का सोचा है आपने?
आगे तो मैंने सोचा है कि मुझे जो चौकबॉल गेम है उसका गेम बड़ा कैसे करे, उसका मुझे सपोर्ट तो करना पड़ेगा ही, जो कि मैंने वो इतनी मेहनत इतनी मेहनत की है 2013 से। और मेरा जो सपना अधूरा है, जो तीसरे टाइम जो चौकबॉल मुझे इंडिया के लिए खेलना है, मैं SST कॉलेज के माध्यम से तो मैं बिल्कुल जाऊंगा और इंडिया के लिए फर्स्ट प्लेस का किताब लाकर रखूंगा। जी हाँ जरूर, आप जब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की तरफ से अगर उसका प्रतिनिधित्व करना चाहते हो तो SST महाविद्यालय आपके साथ में खड़ा रहेगा। और ऐसे कई दोस्त हैं जो खेल के साथ में, अपने पढ़ाई के साथ में अपने खेल को भी तवज्जो देना चाहते हैं, तो ऐसे दोस्तों को क्या कहोगे? सबसे मैं तो ये कहूँगा कि जो स्पोर्ट प्लेयर है, जिनको अच्छा गेम, यानी जिसको आर्थिक प्रॉब्लम रहता है, जिसका मनी प्रॉब्लम रहता है, यानी प्रॉब्लम जिसका जॉब बराबर है, जिसका मतलब जॉब रहता है, जो भी मतलब प्रॉब्लम रहता है, तो मैं इनको ये कहूँगा कि SST कॉलेज जो कि बहुत ही अच्छा है, जिसे जहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत ही मिलता है, जिसका बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो मैं हो सके तो SST कॉलेज में एडमिशन लो, जिसको बेस्ट प्लेयर या इंडिया में जो भी खेलना रहेगा तो आप SST कॉलेज में एडमिशन लेना। तो दोस्तों, ये विक्रम ने अपना निजी अनुभव यहाँ पर व्यक्त किया है। अगर आप में कोई स्पोर्ट्समैन छुपा है या स्पोर्ट्समैन बनने का सपना आपको साकार करना है तो उसके लिए SST महाविद्यालय सर्वोत्तम पर्याय है, जहाँ पर आपको आर्थिक, मानसिक, भावनिक स्तर पर हर तरह से सहायता मिलेगी। जी हाँ विक्रम, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपके अनुभव यहाँ पर कथन किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे SST एलीट्स के अगले एपिसोड में ऐसे ही एक प्रतिभाशाली चेहरे को लेकर, उसकी यशोगाथा को लेकर। तब तक आप देखते रहिए SST एलीट्स।